शाम के 7:30 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार। हम आपको विधानसभा चुनावों पर स्पेशल शो अब की बार किसकी सरकार दिखाएं। उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें। हरियाणा में आज अफवाह फैली कि इंटरनेशनल रेसलर निशा दहिया की हत्या कर दी गई, लेकिन सच ये है कि जिस रेसलर की हत्या की गई वो निशा कोई और है। ये निशा नेशनल लेवल की रेसलर थी। बदमाशों ने दिन दहाड़े निशा और उनके भाई की हत्या कर दी। कातिलों ने निशा दहिया की मां पर भी हमला किया है, जिसके बाद से ही वो घायल हैं। इंटरनेशनल रेसलर निशा दहिया ने खुद एक वीडियो जारी कर कहा कि वो सुरक्षित हैं। हेलो, मेरा नाम निशा है और मैं सीनियर नेशनल खेलने आई हूँ गोंडा में, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये फेक न्यूज है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पंजाब से खबर। पंजाब के फिरोजपुर में हरसिमरत कौर बादल के काफिले पर आज हमला हुआ है। हरसिमरत के काफिले में शामिल अकाली उम्मीदवार बरदेव सिंह की कार में तोड़फोड़ की गई। इसके साथ ही अकाली नेता नोनी मान की गाड़ी पर भी सरिये से हमला किया गया। कुछ लोगों ने बाजार में दौड़ती कार के पीछे भागकर लाठियों और लोहे की रॉड मारकर कार को बुरी तरह से तोड़ दिया। कार में बैठे लोगों को चोट भी लगी है। फिरोजपुर के अंध विद्यालय में अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल का एक कार्यक्रम समाप्त होने ही वाला था, जिसके बाद वहां से वो निकल रही थी और बरदेव सिंह तभी उनकी कार पर अटैक किया गया। योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं 17 बार मथुरा का दौरा कर चुके हैं। 100 दिनों के अंदर दूसरी बार उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए। आज उनके सामने लोगों ने कृष्ण जन्मभूमि की बात भी की। ब्रिज मंडल का ये पूरा इलाका, जहां का पॉलिटिकल सेंटर कभी मैनपुरी और इटावा हुआ करता था, आज मथुरा हो गया है। ये इतना बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट है कि उत्तर प्रदेश की करीब 60 विधानसभाएं इससे प्रभावित होने जा रही हैं। क्या है ब्रज मंडल की पूरी पॉलिटिक्स और योगी बार बार मथुरा पर खास फोकस क्यों कर रहे हैं, जानिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। आज सूर्य षष्ठी का दिन है, लगता है सूर्य षष्ठी के दिन स्वयं आदित्य नारायण ही योगी आदित्यनाथ के रूप में हम सबके बीच प्रकट हो गए हैं। एक बार हम कर्तव्य करते हुए जय श्री राम, जय श्री राम। और मैं अंतिम में यही कहूंगा कि मथुरा का श्री राम अयोध्या का श्री राम मंदिर तो अब निर्मित हो ही रहा है, और वृंदावन की और मथुरा की बारी है, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि की बारी है। और मैं योगी से माननीय से प्रार्थना करूंगा अब मथुरा की ओर एक बार अपना दृष्टिपात करें और निश्चित ही हमें इस तरह से मुक्ति मिलेगी। जय श्री राम। अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। योगी जी अब कृष्ण जन्मभूमि की तरफ देखिए। योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में योगी के सामने ही लोगों ने अपने मन की बात योगी जी से कह दी है। योगी आदित्यनाथ खुद महंत हैं, उनके पास गेरुए वस्त्र की ताकत है, लेकिन भारत की राजनीति में धर्म की शक्ति को वो जानते हैं। इसीलिए कार्यक्रम तो ब्रज रस महोत्सव के उद्घाटन का था और मथुरा में हुनर हाट की शुरुआत का था। लेकिन योगी जी मथुरा आए तो पहले उन्होंने संतों का सानिध्य लिया, उनके साथ भोजन किया, संतों का आशीर्वाद लिया, और मथुरा ने भी योगी आदित्यनाथ का पूरा सम्मान किया। महादेव के, हरदेव जी महाराज के, राधा रानी के, सखियों के, नंदक धाम के, नंद के लाला के, यशोदा मैया के, दाए भैया के, असखान के, समस्त वृंदावन धाम के, सब संतों के, योगी जी महाराज के, योगी जी महाराज के, आज के आनंद के। 100 दिनों के अंदर ये मथुरा में योगी आदित्यनाथ का दूसरा दौरा है। योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए हैं और ब्रज की धरती से धर्म की जय जयकार की है। आप सब मेरे साथ बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, राधे रानी की, यमुना मैया की, यमुना मैया की, माता की, ओ माता की, भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिहाज से ब्रज मंडल का पूरा इलाका बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रज मंडल में यूपी के 9 जिले आते हैं, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, इटावा,
एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और आगरा। ब्रज मंडल के इस पूरे क्षेत्र में यूपी की 60 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं। जब सरकार समाजवादी पार्टी की थी तब ब्रज मंडल का पूरा पॉलिटिकल सेंटर मैनपुरी और इटावा में शिफ्ट हो चुका था, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने ब्रज मंडल का पॉलिटिकल सेंटर धर्म की नगरी मथुरा को बनाया है। और मथुरा में भी योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे आध्यात्मिक सेंटर है कृष्ण जन्मभूमि। यूपी के इस बड़े तीर्थ के विकास के जरिए यूपी के पूरे ब्रज मंडल की राजनीति पर पकड़ बनाने की कोशिश जारी है। ब्रज क्षेत्र वैसे भी भारत की सनातन परंपरा की दृष्टि से अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान है। जितना प्राचीन महत्व और पौराणिक महत्व इस पवित्र धरती का है, यह हम सबकी इतिहास की ओर हम सब का ध्यान आकर्षित करता है। स्वाभाविक रूप से इस पर हम सब भारतवासियों को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए और ये मेरा सौभाग्य है कि इस उत्सव के शुभारंभ के साथ ही जन्मभूमि में दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। ब्रज क्षेत्र तीर्थ विकास परिषद यहाँ पर यहाँ की आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा को पूरी पवित्रता के साथ अक्षुण्य बनाए रखने के साथ ही यहाँ के प्रमुख 7 स्थलों को तीर्थ स्थल घोषित करने और यहाँ के भौतिक विकास के प्रति निरंतर कार्य कर रहा है। जिस तरह से आगरा में ताज महोत्सव होता है, प्रयागराज में महामेला का महोत्सव होता है, उसी तरह से मथुरा में अब ब्रजरज महोत्सव शुरू किया जा रहा है और इस ब्रजरज महोत्सव के जरिए ब्रज मंडल की शिल्प कला को राष्ट्रीय स्तर पर महत्व देने की तैयारी है। ब्रजरज महोत्सव के लिए हुनर हाट का भी आयोजन किया गया है। इस मौके पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद थे। देखिए, कौशल के कुबेरों का ये कुंभ है और इस कौशल के कुबेरों के कुंभ में देश भर के दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर अपने स्वदेशी उत्पादनों के साथ आए हुए हैं। और अगर आप देखें तो इन हुनर हाट के कारण ही हमारे जो स्वदेशी उत्पादन के उस्ताद हैं, दस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, लगभग 6 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार और रोजगार के मौके मिले हैं। हुनर हाट के जरिए क्षेत्र के अल्पसंख्यकों का विकास होगा, लेकिन इस मौके पर भी योगी आदित्यनाथ ने अपनी हिंदुत्व की राजनीति में एक और नया प्रयोग किया। उन्होंने 2 बातें कही। पहली, हुनर हाट में शामिल होने वाले शिल्पकारों विपरीत परिस्थितियों में अपनी उपासना पद्धति बदलनी पड़ी। और दूसरी, भगवान कृष्ण के युग से उनकी कला पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा है। यानी यहाँ पर भी योगी जी ने हिंदुत्व को आगे रखकर हुनर हाट के शिल्पकारों का हौसला बढ़ाया। मैं आप सबसे अपील करूंगा, ये ब्रज तीर्थ है, इसमें आए हुए जितने भी हुनर हाट हैं, हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनकी कला उस कालखंड से जरूर जुड़ती होगी जब भगवान श्री कृष्ण ने इस क्षेत्र में अपनी लीला को रचा होगा। हमारे लिए तो वहां अद्भुत एक अनमोल रत्न होगी। और ठीक है, वस्तु आज बन रही है लेकिन कला तो उतनी पुरानी है। उस समय की वो कला को आज भी वो पीढ़ी दर पीढ़ी हम सबके सामने प्रस्तुत करता जा रहा है। हो सकता है इस पीढ़ी दर पीढ़ी के एक लंबे अंतराल में उसको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा हो सकता है उसकी उपासना विधि भी बदल गई हो, लेकिन कला अपनी बची हुई है। उस कला को लेकर के आप फिर वह यहां पर आया है और उस कला का सम्मान किया जाना चाहिए, उस कला को समाहित किया जाना चाहिए और उस कला को अपने साथ जोड़ करके एक बार फिर से इस तीर्थ के साथ जोड़ करके सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ हुनर हाट को संबोधित कर रहे थे, इसलिए आज उन्होंने 16वीं सदी में पैदा हुए कृष्ण के भक्त सैयद इब्राहिम खान की बात की, जिन्हें हिंदी साहित्य में रस खान के नाम से जाना जाता है। योगी आदित्यनाथ ने रस खान के लिए इस छंद का जिक्र किया।
मानुस हो तो वही रसखान, बसों मिली गोकुल गांव के ग्वारन। योगी आदित्यनाथ ने कृष्ण के भक्त सैयद इब्राहिम खान यानी रसखान के इस छंद का अर्थ भी समझाया। हमने तो इस धरती के उस महात्मा को रसखान के मुंह से भी सुना है, जिन्होंने इस वृत्त क्षेत्र में मनुष्य के रूप में, पशु पक्षी के रूप में या जिस भी रूप में उन्हें रहना पड़े, लेकिन कहीं रहना पड़े, इस धरती पर तो इस वृत्त क्षेत्र में रहना पड़े। और आपको सौभाग्यशाली है कि आपको तो जन्म लेने का, सेवा करने का, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का सौभाग्य इसी धरती पर प्राप्त हो रहा है। ये हिंदुत्व पर राजनीति की योगी की अपनी बेबाक शैली है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ कानपुर में थे, जहां इस वक्त चुनाव के ठीक पहले मेट्रो का ट्रायल रन शुरू हो चुका है और अब इस मेट्रो के निर्माण का क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के पूरे मेट्रो प्रोजेक्ट का अवलोकन किया, मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई और कानपुर की मेट्रो में सफर भी किया और उसके बाद यूपी की पुरानी सरकारों पर निशाना भी साधा। कानपुर देश का एक प्रमुख औद्योगिक नगर रहा है, प्रदेश का सबसे बड़ा आबादी का शहर है, घनी आबादी है, स्वाभाविक रूप से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इस बेहतरीन सुविधा के लिए वे एक सकारात्मक और सहयोगात्मक रवैया भारत सरकार का है। इसलिए सरकारें थोड़ा भी प्रयास करती तो इसका लाभ बहुत पहले कानपुर वासियों को प्राप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन अपनी नकारात्मक और भ्रष्ट रवैये के कारण पिछली सरकारें इसको प्राप्त करने में विफल रही। 2017 में सरकार आने के बाद तेजी के साथ जब इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया, आज 4 शहरों में सफलतापूर्वक मेट्रो की सुविधा वहां के वासियों को तो प्राप्त हो ही रही है, साथ साथ 5वें शहर में मेट्रो ट्रायल का कार्य आज प्रारंभ हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।